ओके अगला लेक्चर ले लेते हैं। इसका पर्पज़ ये है कि यहाँ पर मैं कॉनिफर्स को स्पेशली सेपरेट करके पढ़ा रहा हूँ। रीज़न ये है जिससे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। तो एक टाइप से आपको दिमाग में तीन टाइप के वेरिएशन रखना, एक वो है जो साउथ इंडियन स्पीसीज है, दूसरी जो नॉर्थ इंडियन है, और तीसरी जो कॉनिफर्स हैं। तो यहाँ कॉनिफर्स में आपके सिलेबस में तीन ही हैं, एबीज पिनरो, पाइनस और चिल्ड पाइन। ठीक है, मैंने आपको एक बार फार्मूला बताया था क्लाइमेटिक वाला, जो सिल्वीकल्चर का था, क्लाइमेट वाले में लिखा होगा PDF, पाइनस देवदार फिर। यहाँ जो पाइनस रॉक्स वर्गीय है, ये सब ट्रॉपिकल जो आउटर हिमालय है उसमें ग्रो करता है, तो ये इधर स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर है। देवदार जो है वो सेट बियरर हो सकता है, तो लाइट डिमांडर, लेकिन लाइट नहीं भी मिले तो इसका कोई वो भूखा नंगा नहीं मर जाएगा ये। और एबिज पिंड्रो है, इसे तो सेट चाहिए चाहिए, ये बिना सेट के ग्रो नहीं कर पाता है, स्पेशली इनिशियल फेज में, क्योंकि इसकी लीफ बहुत सॉफ्ट होती है और बर्न हो जाता है। तो यहाँ पर इन्हीं तीनों को हम एक एक करके देख लेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एबिज पिंड्रो से, यानी कि सिल्वर फिर। अब यहाँ पर अगर वो फैमिली की बात की जाए तो सबके सब कॉनिफरेसी के हैं, कॉनिफर्स हैं सबके साथ। कॉनिफर्स का मतलब होता है, अगर इनकी आप जो क्राउन है उसको देखोगे तो लगभग एक ट्रायंगुलर शेप बनाएंगे। तो जब भी किसी की फिनोलॉजी लिखोगे इनमें, तो उसमें जैसे बोलता है ना मीडियम साइज ब्रूड शेप क्राउन, इसमें सब में लिखोगे मीडियम साइज कॉनिकल शेप क्राउन। ठीक है, दूसरा कॉनिकल्स क्राउन, ये कॉनिफर्स हैं, तो इनकी जो निडल्स जो लीव्स होती हैं वो निडल्स टाइप होती है, पतली पतली, जैसे आपके पेन की जो निडल्स होती हैं उससे भी पतली पतली, झाड़ू जो होती है अपनी उस टाइप की निडले इनकी लिप्स होती है। अब मुद्दा आता है इनका डिस्ट्रीब्यूशन का। तो एबिज पिंड्रो की बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा होता है मिडिल हिमालय में। मिडिल हिमालय मतलब 2.5 से 3.5 मीटर के बीच का है, मीन्स 2.5 से 3 किलोमीटर का। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम अल्टीट्यूड वाला जो पॉइंट यूज करते थे वो एक्चुअली यहाँ पर यूज किया जाता है। अब दूसरा अगर फिनोलॉजी का देखा जाए, तो मैंने आपसे बोला आप क्राउन को क्या लिखोगे, बोल दोगे कॉनिकल है, कॉनिकल क्राउन है, मीडियम साइज का ट्रीज है, दूसरा नेडल टाइप की इसकी लीव्स है, और ये जो कॉनिफर्स होते हैं जनरली एवरग्रीन होते हैं। ठीक है, एवरग्रीन ही होते हैं कॉनिफर्स में। मैंने आपसे बोला कि जो अपना सेलेक्स और पॉपुलर है ये कॉनिफर्स नहीं है, मींस कोल्ड एरिया का है लेकिन कॉनिफर्स नहीं है, वो उसकी फैमिली अलग है, सेलेक्स सेलिकेसी, वो कॉनिफरेसी नहीं है उनकी फैमिली। ठीक है, ये कॉनिफर्स मैं बोल रहा हूँ, मतलब कॉनिफरेसी फैमिली, सेब कॉनिफर्स टाइप का होगा, ये ट्री सबके साथ एवरग्रीन होती है, किसी की पत्तियाँ मतलब पत्तियाँ झड़ती हैं लेकिन ये हमेशा रहते हैं, ऐसा नहीं कि उनका कोई लीफ सेडिंग और लीफ फॉल और नई लीफ आने का कोई बीच का पीरियड हो, ये हमेशा साल भर चलने वाली प्रोसेस होगी, और एक बार पत्तियाँ आ गई तो लगभग 3 से 5 साल तक चलती रहती हैं। तो आपको पहले देखना है निडल वाली बात बताना, दूसरा इनके क्राउन कॉनिकल होता है वो बताना है, तीसरा इनका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है मेल फीमेल फ्लावर। ये जो कॉनिफर्स होते हैं जनरली इनमें क्या होता है कि पेड़ में इनका जो प्लांट है उसमें पोलन जो है मींस मेल फ्लावर है वो होते हैं नीचे की साइड, और फीमेल फ्लावर होते हैं इनकी टॉप वाली साइड में। तो ये कहाँ है, पहाड़ के टॉप पे है या पहाड़ी पे है, तो जब विंड होती है जो नीचे से विंड जब ब्लो करती है तो नीचे की साइड से जा रही होती है, तो क्या होगा पेड़ को विंड कहाँ से लगेगी, उसके नीचे की साइड से ऊपर की साइड को, तो जो मेल पोलन है उसे वो अपने साथ लेके जाएगी, और वो किससे टकराते हुए जाएंगे, फीमेल पोलन से। इसका मतलब इनमें पॉलिनेशन तो एक तो विंड से हो रहा है, दूसरा आपको ये समझ में आ गया कि ऊपर फीमेल फ्लावर है नीचे मेल फ्लावर, तो ये 2-3 कैरेक्टर हैं इसलिए आसानी से याद होता है। पॉलिनेशन आपको समझ में आ गया, जनरली कब होता है, जून जुलाई के टाइम पर, गुड सीड या इसमें एबिज पिंड्रो में लगभग 3 से 4 साल बाद आता है। ये कॉनिफर्स के बारे में एक बात और याद रखो, पहली तो आपको लीफ का याद है, चलो याद भूल गया क्या बताने वाला था। ओके, यहाँ पर वही देख लिया आपने, मेल फीमेल है, ये हो गया। तो जो विंड है ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कॉनिफर्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, विंड ही डिस्ट्रीब्यूट करता है कॉनिफर्स, क्योंकि जिस डायरेक्शन में विंड जा रही उसी में इनके सीड और उसी में इनके पोलन मूव करेंगे। तो हिमालय रीजन में इनका एक ही पैटर्न मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर जिस वैली में तो उसी वैली में मिलेंगे विंड की डायरेक्शन में, उसके अपोजिट साइड में नहीं मिल पाते हैं। ओके, अब आते हैं इनका सिल्वीकल्चर। तो जैसे मैंने बोला एबिज पिंड्रो सेट डिमांडर है, ओवर हेड लाइट अगर सीडलिंग को मिल गई तो निकल लेता है, क्योंकि ये तो स्नो और फ्रॉस्ट तो इन्हें झेलना है, तो स्नो और फ्रॉस्ट वाले को ये तो हार्ड ही होनी होना है। विंड की बात की जाए, देखो ये कहाँ उग रहा है कॉनिफर्स,
देवदार को छोड़ के रिमेनिंग जो कॉनिफर्स हैं वो कहाँ है, पहाड़ियों पे। पहाड़ियों पे कोई बहुत अच्छी सॉइल नहीं है, अच्छी सॉइल नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम डेवलप नहीं कर पाते, इसलिए विंड के टाइम पे एक इशू रहता है इनका कि विंड अगर स्ट्रॉन्ग आ गई तो ये निकल लेते हैं वहाँ से, या ऊपर से जैसे लैंडस्लाइड हो जाती है तो ये जनरली गिर जाते हैं। फायर का, फायर तो भाई लगनी है, फायर से फायर रेजिस्टेंट कौन सा होता है, कॉनिफर्स तो बिल्कुल नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि कॉनिफर्स में होता है रेजिन, तो वो तो ऐसा हो गया कि ये पेट्रोल तो खुद भी मुँह में भर के बैठे हैं, आग लगना चाहिए ये तो बिल्कुल तैयार हैं जलने के लिए, तो रेजिस्टेंट फायर तो हो ही नहीं सकते। तीसरा देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो है इनका नेचुरल रीजनरेशन। यहाँ नेचुरल रीजनरेशन इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेचुरल रीजनरेशन के साथ इनके इशू है। इनकी लीफ शेडिंग होती है तो लगभग 1 से 1.5 मीटर का वहाँ नीचे एक कवर बना लेते हैं, तो जब कोई सीड वहाँ गिरा और जर्मिनेट हुआ तो उसके पास इतना फूड होता है कि वो 8-10 दिन सर्वाइव कर लें। अब 8-10 दिन में वो 1 किलोमीटर लंबी तो रूट बना नहीं देगा, 2-4 सेंटीमीटर बनी, वो 2-4 सेंटीमीटर यहाँ 1-1.5 फीट जो थिकनेस का लेटर फॉल है उसे नीचे तक पहुँच नहीं पाता। अगर वो सॉइल तक नहीं पहुँचेगा तो उसे न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, तो जनरली होता क्या है कि सीड जर्मिनेट होते हैं और मर जाते हैं। तो एक टाइप से ये लिटर जो है, लीव लिटर जो है, वो एक मैकेनिकल बैरियर कर देता है नेचुरल रीजनरेशन के लिए, और ये कॉनिफर्स का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। अब लीव लिटर वहाँ 1-1.5 फीट क्यों जनरेट हो जाता है, क्योंकि एक तो ये एवरग्रीन है, हमेशा पत्तियाँ झड़ती रहती हैं, दूसरा कोल्ड एरिया है तो यहाँ बैक्टीरिया और फंजाई की ऐसी बहुत ही कम स्पीसीज होती हैं जो ऐसी फ्रॉस्ट और कोल्ड कंडीशन में भी ग्रो कर पाती हैं। तो एक टाइप से बोले कि डिकम्पोजिंग जो ऑर्गेनिज्म है उनकी पॉपुलेशन कम होती है, और लीफ लिटर दर गिर रहा है तो भाई इनकम ज़्यादा है, कंजप्शन कम है, तो वो तो इकट्ठा होनी है, ठीक है। तीसरा है ओवरहेड लाइट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैक्ड हो जाते हैं फॉरेस्ट, तो ओवरहेड लाइट नीचे तक मिलती नहीं है, तो टेम्परेचर और कम होता है, तो बैक्टीरिया जो थोड़ा बहुत टेम्परेचर से काम कर रहे हैं अभी वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब अब इसका जब आर्टिफिशियल रीजनरेशन करते हैं, हाँ एक बात और, ये जो कॉनिफर्स हैं इनकी जो रोटेशन पीरियड वो बहुत ज़्यादा होता है। देवदार का चला गया 150, एबिस पिनरॉक का चला गया 120 साल, 130 साल, पाइनस रॉक्सवर्गी का भी ऐसे ही मिलेगा 120 साल। तो जब किसी प्लांट का 120 साल रोटेशन है, इसका मतलब क्या है कि वो बहुत स्लो ग्रो करेगा, बहुत आराम आराम से ग्रो करेगा। तो जो यहाँ पर अपने नॉर्थ में या सेंटर में, सॉरी जो साउथ में या सेंट्रल इंडिया में या नॉर्थ इंडिया में जो प्लांट 6 मंथ में ग्रो कर लेते हैं, वो कॉनिफर्स उतनी ग्रोथ के लिए 3-3-4-4 साल लगा लेते हैं। एक एक्सपीरियंस हो रहा है मेरा प्रैक्टिकली कि मैं शादी में मैं गया था मिडिल हिमालय में, उत्तराखंड का पीछे उत्तरकाशी वाले रीजन, तो उनके यहाँ वीट ग्रो हो रहा था जबकि अपने यहाँ वीट का सीजन भी नहीं चल रहा था। रीजन क्या, उनके यहाँ जो वीट होता है, जैसे अपने यहाँ वीट की क्रॉप होती है नवंबर के मिड के टाइम पे लगाते हैं और लगभग अप्रैल के मिड में काट लेते हैं, उनका जो वीट होता है वो लगभग 9-10 महीने लगता है, क्योंकि वो बहुत धीरे 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 ग्रो करता है, उससे कोई जल्दी नहीं होती है कि उसे 4-5 मंथ में कवर करना, वो आराम से 9-10 मंथ में कवर करता है, स्लो ग्रोविंग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ की जो कंडीशन है वो फास्ट ग्रोविंग को सपोर्ट ही नहीं करती, तो उनका वही अडेप्टेशन है स्लो ग्रोविंग वाला। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो कॉनिफर्स हैं, जब उनकी आप आर्टिफिशियल रीजनरेशन करते हो, तो आर्टिफिशियल रीजनरेशन में जो प्लांटिंग या रूटेड कटिंग लगाते हैं, जैसे पॉपुलर या सेलेक्स में जो रूटेड कटिंग लगती हैं, वो सबकी सब 2-3 साल पुरानी होती हैं। दूसरा, ये बेड कोपाइसर है। बेड कोपाइसर होने का मतलब क्या है, जो एपिकल बर्ड्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं, तो इसलिए इनकी जो कटिंग होती है वो लगभग 2-3 मीटर की होती है, क्योंकि चला 2-3 मीटर में 2-4 बर्ड तो मिल ही जाएंगे, जबकि अगर 2-3 मीटर के यहाँ बबूल की लगा दी तो उसमें तो 1.5-2 लाख निकल आएंगे एपिकल बर्ड। अब मुद्दा आता है इनका, तो हम लगाते कब है? देखो, कॉनिफर्स का एक कैरेक्टर और है जो तीनों पे अप्लाई होगा, वो कैरेक्टर है ये लोग क्या करते हैं कि जनरली रेनफॉल, जो सर्दियों के टाइम पे तो लीफ फॉल गिरा दिए इन्हें, लीफ फॉल हो जाएगी, इसके बाद आगे की चीज़ें बाद में डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल जब रीजनरेशन करते हैं तो जो स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल से पहले हम इनकी सीडलिंग लगा देते हैं। ऐसा इसलिए कि स्नोफॉल के बाद हमारा उनके नेचुरल एरिया में पहुँचना आसान नहीं होता है। दूसरा, हमारा पहुंचना आसान हुआ 1.5 मंथ बाद, तब तक वो 1.5 मंथ का गैप हो गया, लॉस हुआ ना, तो ये लोग क्या करते हैं कि सीडलिंग को स्नोफॉल से पहले ही लगा करके निकल लिए। तो आप जब स्नोफॉल होगा, सीडलिंग वहाँ दबा रहेगा, जैसे ही स्नो मेल्टिंग शुरू होगा गर्मियों में, तो स्नो मेल्टिंग होगा, वाटर अवेलेबल मिलेगा, तो इनको सीड को जैसे ही वाटर मिला ये जर्मिनेट करना शुरू होंगे।
तो नेचुरली इनके पास उसी वही है, नेचुरली भी उसी टाइम पर जर्मिनेट होती है और तुम्हारे आर्टिफिशियल भी उसी टाइम पर जर्मिनेट हो गए। तो सीड सोविंग का जर्मिनेशन वाला एक आइडिया आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं सिल्विकल्चर सिस्टम। तो देखो क्लियर फिलिंग यूज कर दो, कोई भी सिस्टम कर दो, हम वहाँ पर सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि इशू यही है हिली टोपोग्राफी, इरोजन के बहुत चांसेस है। दूसरा एविज पिंडरों की बात की जाए तो अविज पिंडरों तो पहले ही सेट डिमांडर है, सेट डिमांडर है तो शेल्टर वुड या सिलेक्शन में करना पड़ेगा, क्लियर फिलिंग तो हो ही नहीं सकता। दूसरा कोपाइस वाला भी सिस्टम नहीं होता क्योंकि ये बहुत दर बेड कोपाइसर है, या ये बोल रहे कि नो कोपाइसर है ये, तो कोपाइसिंग वाला हट गया, क्लियर फिलिंग हट गया, बचे आपके पास सिलेक्शन और शेल्टर वुड, वो यहाँ पर कुछ दिया। अब इसका यूज क्या है, तो एक तो इसमें फाइबर है तो पल्प वगैरह में यूज हो जाता है, दूसरा इसके रेलवे स्लीपर और पैकेजिंग में। ये पैकेजिंग और फर्नीचर में क्या है, क्योंकि ये जो कॉनिफर्स हैं इनकी वुड होती है लाइट, तो जो पैकेजिंग है आपको ऐसा मटेरियल चाहिए पैकेजिंग का के लिए जो स्ट्रॉन्ग तो हो लेकिन वजन कम हो, ऐसा नहीं कि उसके अंदर कंटेंट रखा है 2 किलो का और उसका पैकेजिंग का वेट हो गया 25 किलो का, तो हमें लाइट वुड वाला चाहिए, तो ये कॉनिफर्स बहुत अच्छी तरह से सप्लाई करते हैं। इस टाइप से यहाँ राइट सिल्विकल्चर कैरेक्टर ऑफ कैजुराइन एक्विसिटी फोलिया एंड एबीज पिंडरो, यहाँ पर आप 5 मार्क में आपको इसका सिल्विकल्चर कैरेक्टर लिखना था, तो यहाँ दम है। जैसे मैंने बोला कि सिल्विकल्चर कैरेक्टर को जब आप इंट्रो पार्ट लिखोगे तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन उसके कैरेक्टर वगैरह को थोड़ा एक्सप्लेन करती हुई 2-2.5 लाइन का इंट्रो लिख दोगे, फिर इसके बाद उसके सिल्विकल्चरल कैरेक्टर लिखोगे, क्योंकि 5 मार्क है, ठीक है, तो यहाँ अच्छा बनता है वो। अदरवाइज 2 मार्क का पूछ ले तो क्या लिखोगे आप, तो फिर खाली पीली की चीज़ें ना लिख के सीधे सीधे अपन डायरेक्ट टू द पॉइंट लिख देते हैं। अब आता है सेडरस देवदारा। देवदार की बात की जाए तो इसमें ज़्यादा कुछ बात नहीं करना है, मिडिल हिमालय में है, ठीक है, एवरेज वही रीजन है, 2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास जो है, मतलब 1500 से 3000 के नीचे वही है। सॉइल कौन सी है, आप समझते हो कि रॉकी सॉइल होगी, इनके लिए कोई ब्लैक कॉटन सॉइल या एलुवियल सॉइल नहीं रखी वहाँ पर, स्टीप हिल रीजन है। नॉर्दर्न एस्पेक्ट पे जनरली वो होते हैं, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि साउदर्न एस्पेक्ट और नॉर्दर्न एस्पेक्ट, तो नॉर्दर्न एस्पेक्ट पे क्यों वेजिटेशन ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होती है, साउथ वालों को रेडिएशन ज़्यादा मिलती है तो यहाँ एवापोरेशन ज़्यादा होता है, इसका रिजल्ट होता है कि यहाँ मॉइस्चर कम हो जाती है। रेनफॉल ये खाली पीली की चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर होता है ग्रेगेरियस एंड ग्रो आलमोस्ट इन प्योर स्टैंड, हाँ ये कैरेक्टर है स्पेशल। आपको जहाँ भी देवदार मिलेगा, अगर आपकी जब ट्रेनिंग हो गया IFS में और आप जब भी देवदार के पास जाओगे तो जनरली आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि यहाँ देवदार है, लेकिन उसका आपको एक्सपीरियंस पहले से मिल जाएगा कि वहाँ पर एकदम से टेम्परेचर जो है वो लगभग 2-3 डिग्री तक नीचे एकदम डाउन हो जाएगा, सर्दी सी लगने लगेगी। इसका मतलब समझ लो कि आसपास देवदार है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत दर तरीके से इवेपोरेट करता है, ह्यूमिडिटी काफ़ी मेंटेन करके रखता है। पर अब तुम खुद सोचो कि अगर इसने 3-4 डिग्री वेरिएशन कर दिया तो अदर स्पीसीज के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो जाता है। तो ये जनरली थोड़ी जो वैली टाइप की कंडीशन है ना उन्हीं में जनरली ये हो जाता है, और जहाँ होगा ये एकदम प्योर सी वेजिटेशन हो जाती है इसकी, मतलब और कोई कॉम्पिटिटर है नहीं इसका इस रीजन में। पाइनस रॉक्स वगैरह की बाहर पड़ा है, वैली चाइना की औखाद नहीं है, वो नीचे है। देवदार इतना हाइट होता है कि वो वैली चाइना कितना भी, ये जो अपना एविज पिंडरो सॉरी एविज पिंडरो की इतनी औखाद नहीं कि वो कितना भी ग्रो कर ले देवदार जितनी हाइट पकड़ नहीं सकता, तो नीचे सप्रेस रहता है और कुछ दिनों बाद निकल लेता है। फिनोलॉजी का वही है, कॉनिफर्स है तो एवरग्रीन है, बट इसकी एक स्पेशलिटी है कि इसकी ब्रांचेज हॉरिजॉन्टल होती हैं। आपको किसी कॉनिफर्स में और इतनी हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज नहीं मिलेंगी जितनी इसकी होती हैं, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, जैसे 90 डिग्री पर किसी ने निकाल रखी हो। क्राउन तो कॉनिफर्स है तो कॉनिकल ही होगा। लीफ सेडिंग जनरली जो होता है कब होती है, गर्मियों में मई जून के टाइम पर, और उसी टाइम पर नई लीव्स आती हैं, उससे पहले नई लीव्स आ जाती हैं। ये कोई बड़ा इशू नहीं रहा है इसके लीव्स के लिए। अब मैंने बोला कि नई लीव्स कब आ रही और पुरानी कब गिर रही, ये इस हिसाब से देखो कि जब मानसून इनके हिसाब से सही आता है, जब फेवरेबल कंडीशन इनके हिसाब से आती है, तो इनके हिसाब से कब आती है, गर्मियों में, क्योंकि यहाँ के तो बर्फबारी पड़ रखी होती है, तो गर्मियों में जब अच्छा कंडीशन आएगी तो उसी टाइम पर नई लीव्स आएंगी इनकी। तो पुरानी लीव्स कब होंगी, पहले नई आ जाने दो, इसके बाद पुरानी टपकती रहेंगी। फ्लावर वगैरह से आपको कोई लेना देना है नहीं। जनरली कॉनिफर्स जो होती है उनमें प्रोटेंडरी होते हैं, मतलब एक प्लांट में यूजुअली उसके मेल फ्लावर पहले पकते हैं, ठीक है। अब इसका देखते हैं सिल्विकल्चर कैरेक्टर। तो पहला तो ये बहुत दर लाइट डिमांडर है, विंड का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बहुत टैप रूट सिस्टम बनाता है, ड्राउट हो फ्रॉस्ट हो ये कोई चीज़ उसे इफेक्ट नहीं करता। हाँ बस जो सीरियस इफेक्ट है वो है, सुनो
स्नो इसे बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि इसकी है लेटरल रूट्स, लेटरल रूट्स पे स्नो दर जम जाती है, इतनी वजनदार हो जाती है कि वो ब्रांचें टूट जाती हैं। ठीक है, हालांकि स्नो के पॉजिटिव भी इफेक्ट हैं, जैसे बोला कि एक तो मॉइस्चर प्रोवाइड कर देते हैं, दूसरे इसकी सीडलिंग को विंटर के टाइम पर प्रोटेक्ट करके रखती है, क्योंकि ऊपर से स्नो आ जाएगा जो वाइल्ड एनिमल है वो कंज्यूम नहीं कर पाते सीड को। ठीक है, तीसरा फायर बोला जाए तो फायर में देखो भाई कौन सा पेड़ है जो फायर से रुक जाए, कॉनिफर्स मैंने वैसे ही बोला, तो यहाँ पर राइट फिनोलॉजी ऑफ फॉलोइंग आप इस टाइप का आप देवदारा का लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसके डैमेजेस लिखे होंगे यहाँ पर दुनिया भर के, अगर आप फ्रेशर हो 2020 के लिए दे रहे हो या ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लिख रहा है तो वहाँ पर थोड़ा देख सकते हो। आप जो 2019 के लिए IFS दे रहा है उनके लिए तो इसे देखना भी नहीं है नीचे के लिए, आप बस एक आइडिया देख लो कि डैमेज क्या पहुँचाते हैं। एक स्नो पहुँचाते हैं, भेड़ बकरी पहुँचा देते हैं, लॉपिंग कर देते हैं और वाइल्ड एनिमल है, बस इतने में बहुत होता है। अब मुद्दा आता है अपना नेचुरल रीजनरेशन का, तो देखो ये जहाँ फ्रॉस्ट, ये जहाँ है देवदार वहाँ एबिज पिंड्रो जैसी कंडीशन नहीं है, मतलब इसके टाइम पे जो एबिज पिंड्रो वाली जो हार्ड जो नीचे जो एक एक डेढ़ डेढ़ फिट का लीफ लिटर कर रखा था वो होता है, लेकिन वो कम होता है, इतना बहुत ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो इफेक्ट होता है वो जनरली ड्राउट का होता है, वो एक मुद्दा नहीं है। तो अगर प्री मानसून के टाइम पे अगर ये जर्मिनेट हो गया तो उस टाइम पे बचने वाला नहीं, क्योंकि ये इस टाइप के रीजन में जहाँ केवल स्नो ही एक मॉइस्चर का एक वो है सोर्स, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि ये जनरली मैंने बोला वैली के मिड में हो रहे होते हैं, तो वैली में जब भी प्रोड्यूस होता है वो तो नीचे ढरक जाते हैं। जब भी आप अगर हिमालय में गए तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि लगभग जो जिस सॉइल पे ये ग्रो कर रहे होते हैं वो पहाड़ी के जो स्लोप है वो लगभग 45-50 डिग्री का एंगल बना के चल रही होती है, तो 40-50 डिग्री के एंगल पर कोई भी फ्रूट गिरेगा वो बचने वाला नहीं है, वो सीधे नीचे ढुरकेगा वैली की तरफ, तो ऐसी सीड की जो है ग्रेविटेशनल से मूव कर जाता है। जर्मिनेशन पे वही पुरानी कंडीशन है, एंडी कंपोजिटर फॉल, लेकिन हाँ मैंने बोला कि इसकी चीरपाइन जितनी वो एबिज पिंडो जितनी नहीं होती है, कम होता है, लेकिन वो इशू तो कॉमन ही वही 1.5 फुट ना सही आता फिट सही, वो काम तो वही कर जाएगा। लाइट के लिए अगर आप जब आर्टिफिशियल रीजनरेशन कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं कैनोपी को मैनिपुलेट करना पड़ता है कि नीचे जो सीड जर्मिनेट हो रहा है उसे थोड़ा बहुत लाइट मिले, क्योंकि ये है क्या लाइट डिमांडर स्पीसीज, तो इसे तो कम से कम इनिशियल फेज में लाइट चाहिए, तुम लाइट नहीं दोगे तो जर्मिनेट नहीं हो पाएगी। ओके, आर्टिफिशियल का एक सबसे अच्छा तो डायरेक्ट है, और दूसरा पॉलीबैग प्लांटिंग कर देते हैं हम। ठीक है, सिल्वीकल्चर वो ये रेगुलर सेल्टरवुड सिस्टम और सिलेक्शन सिस्टम यूज का देखा जाए तो जो हिमालयन रीजन है उसमें लगभग लोगों के जो घर बने होंगे वो सबके सब देवदार की लकड़ी से बने होंगे, टेम्पल्स जो बने होंगे सबके सब देवदार से बने होंगे। दूसरा बोला जाए तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने जो रेलवे स्लीपर बनाए थे वो दर तरीके से देवदार को एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, रोटेशन पीरियड मैंने बोल ही दिया, लगभग 120 से उसमें 150 होता है, तो सेल्टर वुड यूज कर लेते हैं। अब हिली रीजन है तो वहाँ सिलेक्शन कर लेंगे, क्वेश्चन अपन देख चुके हैं देवदार का। अब लास्ट बचता है यहाँ पर कुछ उसके सिल्वीकल्चर करेक्टर देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था इसमें कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्नो इन रीजनरेशन ऑफ सेड्रस देवदार। दूसरा आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन और आया था, मुझे बाद में पढ़ने में आया जब ये नोट्स बना चुका था, लेकिन उसका एग्जैक्टली याद नहीं रहा कि कब आया था, तो बट मैंने कहा ये एक ही आया तो आपको एक बेसिक आइडिया हो गया। अब स्नो का क्या है, देखो देवदार में जैसे अपने नीम है जिसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग एक ही साल में होता है, देवदारों में एक साल नहीं होता, एक साथ नहीं होता है। अब इस साल जब उसमें देवदार में मस्त स्नोफॉल होगी तो वो उसकी इंड्यूस करता है, मतलब बढ़िया स्नोफॉल हुई मतलब बढ़िया यहाँ पर मॉइस्चर अवेलेबल होगी, तो वो उसमें इंड्यूस करता है फ्लावरिंग के लिए। तो जब वहाँ पर मॉइस्चर ख़त्म होगी मीन्स गर्मी आएंगी तब उसमें आएगी फ्लावरिंग, फ्लावरिंग होने के बाद होगा उनका पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन के बाद जो उनकी फ्रूटिंग बनती है वो लगभग धीरे धीरे प्रोसेस होता है ना, तो वो लगभग अगले साल सीजन तक आती है, मतलब इस साल की जो सर्दियाँ इनने झेली मार्च अप्रैल के टाइम पे इनमें पॉलिनेशन हुआ मतलब फ्लावरिंग आई और पॉलिनेशन हुआ, और वो नवंबर दिसंबर तक इनके बीच में आती है फ्रूटिंग, तो ये दिसंबर के टाइम पे फ्रूट बन करके टपक गया। जब ये दिसंबर में टपकेगा तब फिर इसने फ्रूट जो है ना नीचे दब गया, स्नोफॉल हुई फ्रूट फिर नीचे दब गया, उसने फिर स्नोफॉल को झेला, और इस टाइप से बोला ना स्नोफॉल ने उसे कवर कर लिया वाइल्ड एनिमल के कंजप्शन से, फ्रूट में वैसे भी रेजिन वगैरह होता तो इसलिए स्मेल आती है तो हल पकड़ देते हैं वाइल्ड एनिमल्स।
इंसेक्ट भी अटैक पड़ जाता है। तो इस टाइप से वो बच गया स्नोफॉल के इफेक्ट से, और फिर जैसी स्नोफॉल पिघली उसे मॉइस्चर मिली, वो जर्मिनेट कर गया। अब देखते हैं पाइनस रॉक्स वर्गी यानी कि चीड़ पाइन। ओके, चीड़ पाइन है ये आउटर हिमालय शिवालिक रीजन में, एवरग्रीन है, ठीक है। वर्ली ब्रांच तो पूरे कॉनिफर्स की है, लेकिन इसका ग्रोविंग रीजन याद रखो जो देहरादून वाला जो रीजन है और जो उसका आउटर शिवालिक वाला रीजन है उसमें दर ग्रो करता है। आपको एक याद नहीं आ रहा, आपको देहरादून के पीछे ही है रीजन, जो भाऊबाला इस टाइप के नाम बहुत है वहाँ। तो ये जो रीजन है वहाँ पर इसका चीड़ पाइन में टैपरिंग का बहुत काम किया गया, टैपिंग बोलते हैं उसे एक्चुअली। ओके, ग्रोविंग रीजन क्या है, वही है देवदार वगैरह थोड़ा ऊपर ग्रो करते हैं, ये थोड़ा नीचे होता है, एक से दो किलोमीटर के बीच में, मतलब एक से एक हज़ार से 2000 मीटर की जो हाइट है उसमें, और 1000 से नीचे अपनी ये खैर से सू वगैरह है, सॉइल वगैरह क्या होगी। अब एक बात और देखो, रॉकी सॉइल, रॉकी सॉइल लिखोगे तो थोड़ा मज़ा नहीं आता है। आपने अब अगर जैसे ने एक एक साथ तीन के डिस्ट्रीब्यूशन लिखी है, आपने पहले पे में भी लिख दिया रॉकी सॉइल, दूसरे में भी लिख दिया रॉकी सॉइल, तो थोड़ा मज़ा नहीं आता। तो एक काम करो, पहले में लिख दो रॉकी सॉइल, दूसरे में लिख दो क्वार्ट्जाइट्स एंड माइका स्लेट। तो ये थोड़ा क्या होता है कि ऐसा लगता है कि सामने वाले को भी थोड़ा बहुत पता है, ये है कुछ नहीं है, बस मोह माया है, एक ही चाहिए। चाहे उसे तुम रॉकी लिख दो, रॉक किस से बनी हुई है, रॉक खुद का तो कुछ नहीं होगा, वही होती है क्वार्ट्जाइट, सैंड होता है, रॉक क्या है, सैंड होती है, तो सैंडस्टोन हो गई, क्वार्ट्जाइट हो गई और माइका हो गई। बस ये है कि एक में आपने रॉकी सॉइल लिख दिया, दूसरे में ये लिख दिया, फिर तीसरे में कुछ में से उठा करके और पुराने वाले का एक उठा के मिक्स करके कोई तीसरा लिख दिया। तो एक टाइप से एक सामने वाले को लगता है नहीं भाई कुछ तो पता है, ऐसे अच्छा खासा पता है, वो निकल जाता है। ओके, अब लिखते हैं लीफ शेडिंग की। लीफ शेडिंग कब होती है, जनरली वही है, कॉनिफर्स हैं तो फेवरेबल सीजन कब आता है इनका, यही अपना मानसून, जो गर्मी है वो, क्योंकि स्नोफॉल अभी मेल्टिंग ख़त्म हुई है इनकी, तो गर्मियाँ आई तो उस टाइम पे जैसे ही शुरू है अप्रैल के टाइम पे इनकी नई लीफ आती है, और लगभग एक दो मंथ बाद इनकी ओल्ड लीफ गिरना शुरू होती है। तो वही मई जून के टाइम पे ओल्ड लीफ गिरना शुरू होती है। फ्लावर में बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरी पूरी कॉनिफर्स विंड पॉलिनेटेड है, सब में फीमेल ऊपर होती है, मेल नीचे होती है। देखो फीमेल डोमिनेंस ही है, फीमेल फर्स्ट, मतलब फीमेल ऊपर है। फर्टिलाइजर लगभग वही है, फर्टिलाइजर से एक दो साल में होता है। सीड वायबिलिटी जनरली 2-3 साल होती है सभी में, इसलिए गुड सीड ईयर इनका 2-3 साल में ही होता है। सबके सब पोलिनेशन विंड से होता है, फ्रूट भी विंड पोलिनेट विंड से ही स्प्रीड होते हैं इनके फ्रूट। अब आते हैं सिल्वी कल्चर। तो पाइनस रॉक्स वर्गी सब ट्रॉपिकल रीजन में है, अंदर नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर है, विंड को भी अच्छा खासा झेल लेता है, और फ्रॉस्ट और फायर से कोई फर्क नहीं पड़ता इसे, क्योंकि फ्रॉस्ट से क्यों, क्योंकि स्नोफॉल मिलता ही है, तो बाढ़ में गई फ्रॉस्ट वो, और वो फायर और फ्रॉस्ट का तो है। अब बात आती है फायर की। देखो चीड़ पाइन में दर होता है सबसे ज़्यादा, जो रीजन होता है वो चीड़ पाइन होता है, इसलिए इसी में ही चीड़ पाइन में ही उसकी रीजन टैपरिंग की जाती है। अब अगर ये अपने आप को रीजन से नहीं बचाएगा, हार्डी नहीं करेगा, तो इसे तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो इस ये ऐसा प्लांट है जो अपने आप को खुद बचाने के लिए, मतलब इसने खुद न्यूक्लियर बॉम्ब ले रखा है, तो अपने आप को बचाने के लिए खुद रेजिस्टेंट तो डेवलप करेगा ना। ओके, स्नो का कोई जानते हो उसी रीजन का है, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे। सॉयल पहले बता चुका हूँ, वही लिख देना। दूसरा कोई भी सॉयल, कोई भी प्लांट हो, वो पूर एरेटेड या पूर ड्रेन सॉयल में तो कोई ग्रो करता नहीं है। तो बस जब नहीं मिले तो पूर ड्रेन सॉयल बोला, अनसुटेबल इन पूर ड्रेन सॉयल, इसे वेल एरेटेड सॉयल चाहिए, बस लिख दे काम चल जाता है। ओके, फंजाई है, क्लिम्बर है, कौन है, क्या है, 2019 वाले ने कोई याद नहीं रखना, पुराने वाले याद रखना। अब इसका देखते हैं सीड फॉल, नेचुरल रीजनरेशन कैसे होगा, सीड गिरेगा जर्मिनेट हो जाएगा, बट वही एक कंडीशन क्या है, जब नेचुरल रीजनरेशन आपसे 5 मार्क में पूछा तो क्या करोगे आप, सीड लिख करके तो नहीं निकल पाओगे, कोपाइसिंग होती नहीं है, तो रूट सकर वाला कोई मुद्दा नहीं है, तो क्या होता केवल सीड। अब आप सीड 5 मार्क में क्या लिख के आओगे, नेचुरल रीजनरेशन बाय सीड। तो फिर ऐसी केस में जब आपको 5 मार्क में ज़बरदस्ती पूछ दे तो क्या करोगे, बोला होता तो सीड से है, लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशन रिक्वायर है, जैसे बोला लाइट अच्छी होना चाहिए, उनके बीच में गैप होना चाहिए, सॉइल अच्छी एरेटेड मींस वेल एरेटेड सॉइल होना चाहिए, और ये उसके नॉर्थन एस्पेक्ट होना चाहिए, फायर जैसी चीज़ें काली ना करें वहाँ पर,
और ये जो वाइल्ड एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल आ जाते हैं ना ग्रेजिंग के लिए, ये भिखारी ना करें, तो वो वहाँ जर्मिनेट हो जाएगा और अच्छा होता है। तो इस टाइप से आप कम से कम कुछ पॉइंट भी लगेगा कि आप 5 नंबर में लिख पाओ, ठीक है। अदरवाइज अगर ये 2 नंबर में आया तो सीट निकल के निकल लो, 1 नंबर 2 में कि हाँ बाय सीट ख़त्म। आर्टिफिशियल क्या करोगे, वही करोगे, सीट को डायरेक्ट सोविंग करोगे। दूसरा क्या करोगे, प्लांटिंग कर दोगे। प्लांटिंग जनरली हम 1-1.5 साल की सीडलिंग को ही लगाते हैं उसमें। स्पेसिंग का कहीं मुद्दा आएगा देख लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं, लगभग 2 मीटर 3 मीटर का ऐसा आता है। जब किसी की स्पेसिंग आपको समझ में नहीं आए तो सीधा 2 मीटर बाय 3 मीटर या 3 मीटर बाय 3 मीटर लिख देने का, ठीक है। सिल्वीकल्चर सिस्टम, ये पहला तो है लाइट, देखो ये है लाइट डिमांडर। तो लाइट डिमांडर है, कोपाइसिंग होती नहीं तो कोपाइस वाला हटा दो। तो यहाँ पर आपके पास 3 बचे, क्लियर फिलिंग, सिलेक्शन और शेल्टर बोर्ड। अब क्लियर फिलिंग आप कर नहीं सकते, क्यों, क्लियर फिलिंग कर दिया है तो हिमालय रीजन में सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम है, हेली टोपोग्राफी में। तो आपके पास बचता है सेल्टर बोर्ड और सिलेक्शन, बस उसी वही 3 यहाँ पर रखें, यूनिफॉर्म सिलेक्शन सिस्टम, रेगुलर सेल्टर बोर्ड और सिलेक्शन सिस्टम। 120 साल का इसका रोटेशन होता है। सिल्वीकल्चर सिस्टम हो गया, अब आते देखें यूज। तो पहला तो मैंने बोला रेजिन की टैपिंग इसमें की जाती है। दूसरा, क्योंकि कॉनिफर्स है तो इसकी पैकेजिंग इंडस्ट्री में डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो बॉक्स वगैरह मैक्सिमम। और तीसरा है फर्नीचर के लिए, इसी के जो इसमें रेलवे स्लीपर में भी काफ़ी ज़्यादा यूज किया गया है इसका। अब थोड़ा एक एक्सरसाइज देख लेते हैं इसे, इसको एक बार करके देख लेना। वैसे अपना इसमें और कुछ बचता नहीं, कॉनिफर्स में एक पॉपुलर, कॉनिफर्स का नहीं मतलब गलती से कॉनिफर्स लिखा है, लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि जो अदर कोल्ड एरिया के हैं उनमें अपने पास पॉपुलर बचा था, दूसरा सेलेक्स। तो पॉपुलर को पढ़ चुके, सेलेक्स यहाँ अपने सिलेबस में नहीं है, और सेलेक्स का अगर कोई बाई चांस आ गया तो पॉपुलर वाले लिख देना, क्योंकि सेलेक्स देखो फॉरेस्टी वाले लगभग 150 के ऊपर स्पीसीज पढ़ते हैं। हर स्पीसीज को आपके लिए याद रखना पॉसिबल नहीं है, और वैसे भी आपको जब पूरा सेक्शन आता है तो उसमें आपके पास वैसे भी आपको 3 क्वेश्चन करने हैं 5 में 4 में से, या आपको 2 क्वेश्चन करने हैं 4 में से। तो इमरजेंसी तो वैसे भी नहीं है, आप इजीली लेफ्ट कर सकते हो उसे, लेकिन जब लिखना ही लिखना है, कसम खाली नहीं मैं तो इसे छोड़ूंगा नहीं, तो पॉपुलर के कैरेक्टर सेलेक्ट में लिख दो, दोनों ही रीजन के ग्रो होते हैं, लगभग सिमिलरिटी होती है, ख़त्म। ओके, तो यहाँ पर अपना चौथा लंबा